बॉलीवुड के बाबा संजू बाबा अपनी फिल्म KGF 2 को लेकर खूब लाइमलाइट में बने हुए हैं, लेकिन इसके अलावा एक खास और बड़ी वजह से संजू बाबा अब हर जगह छाए हुए हैं और उसकी वजह है गोल्डन वीजा। जी हां, संजय दत्त को यूनाइटेड अरब अमीरात के लिए गोल्डन वीजा मिल गया है। ये खबर संजय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है। इसके साथ ही उन्होंने वीजा लिए हुए अपनी एक पिक्चर भी शेयर की, जिसमें वो दुबई के जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर्स के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल मोहम्मद अल मर्री के साथ नजर आ रहे हैं। संजय दत्त ने दो फोटो शेयर की हैं, जिसमें लिखा है, ऑनर टू हैव रिसीव्ड अ गोल्डन वीजा फॉर द UAE इन द प्रेजेंस ऑफ मेजर जनरल मोहम्मद अल मर्री, डायरेक्टर जनरल ऑफ GDRFA दुबई, थैंकिंग हिम अलॉन्ग विद द UAE गवर्नमेंट फॉर द ऑनर, ऑल्सो ग्रेटफुल टू मिस्टर हमद ओबैदुल्ला COO ऑफ फ्लाई दुबई फॉर हिज सपोर्ट। तो आखिर क्या है ये गोल्डन वीजा? आपको बता दें कि गोल्डन वीजा लॉन्ग टर्म रेजिडेंस इवेंट है जो मई 2019 में प्रधानमंत्री और दुबई के शासक के अप्रूवल के बाद लागू हुआ। साल 2020 में UAE सरकार ने इस वीजा की शुरुआत की थी, जिसकी अवधि 10 साल होती है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रतिभाशाली लोगों को गल्फ कंट्रीज में बसाना है। इसमें विशेष तौर पर PhD होल्डर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और यूनिवर्सिटी के चुनिंदा ग्रेजुएट शामिल होते हैं। हालांकि संजय दत्त गोल्डन वीजा पाने वाले भारतीय सिने इंडस्ट्री के पहले स्टार बन गए हैं, यानी संजू बाबा आने वाले टाइम में दुबई में बस सकते हैं। या हो सकता है संजू बाबा ने अपना रिटायरमेंट प्लान किया हो, जिसके तहत ही उन्होंने मुंबई छोड़कर दुबई में बसने की सोची हो। खैर, अब संजू बाबा ने ये वीजा किस लिए और क्यों लिया, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन गोल्डन वीजा पाने वाले संजय दत्त पहले बॉलीवुड एक्टर बन चुके हैं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।